के मातहत जो बड़े से बड़े सुप्रीम कोर्ट को जो है मिनटों में जाके अपना काम ला करके ला रहे, एक फेस वो है उनका। वो मामला बच्चों को छुड़ाने में की नहीं हो रहा, ये दो रुख दो चेहरे की नजर आ रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम लोगों का जो जो चैनल से यहाँ पे है, तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मधु किया और कुछ बोलने और सुनने का मौका दिया। सबसे पहले आजकल बहुत से आपके ज़रिए बहुत से लोग आगे आ रहे हैं, अपना ख्याल इजहार कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है अपना जो तजुर्बा है वो भी रख रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज मैं हमारे अंजुमन में जो इदारे चलते हैं तालीम मेयार के बारे में बताना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि अलग अलग उन्वान पे अलग अलग कह रहे हैं। एक बात आप ज़रूर गोशा नशीन कर लें, हमारे अंजुमन में तकरीबन 24 इदारे चलते हैं कमोपेश, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग 400 लोग काम करते हैं, उसमें जो है कई PhDs हैं, कई MPhil करे से, कई NAAC करे से, ऐसे जो है बड़े स्टैंडर्ड का हमारा जो स्टैंडर्ड है बड़ा हाई लेवल का है। हमारा जो पढ़ाने का टीचिंग स्टाफ जो है वो उनका स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। इसकी मिसाल देते हुए मैं मेरे बात को आगे बढ़ाऊँगा के यूनिवर्सिटी के अंदर जो पेपर निकलते हैं फर्स्ट ईयर के जो पेपर निकलते हैं वो हमारे अंजुमन के लेक्चरर को बुला के जो है पेपर बनाते हैं उन्होंने, समझे ना। इससे मालूम पड़ता हुबली में बहुत से कॉलेज हैं लेकिन अंजुमन को की चुनता है। अंजुमन में जो है वैसा बड़ा मैार है, क्योंकि बीवी में जाओ हमारे अंकल की साहब को, बाद में तुम्हारे शेरली साहब को, शिकली साहब को, ये यूसुफ साहब को, मौली साहब, तमाम लोगों को जो है वहाँ पे बुला के उनके साथ मशवरा करते थे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या है उसकी भी वजूहत है। तो देखो टीचिंग जो है देखो ट्रायंगल सिस्टम है, वो पेरेंट्स स्टूडेंट एंड टीचर्स, समझे कि नहीं। पेरेंट्स का मामला उनका अलग है, टीचर्स का मामला अलग है, स्टूडेंट का मामला, ये सब मिल को मेहनत करे तो तुम्हें 90% रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे जी क्या हो रहा है, हमारा पेरेंट्स उन्हों अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, बच्चे जो है पढ़ने के शौक़ में कम और धरने के शौक़ में ज़्यादा इंटरेस्ट कम है। उन्हों कॉलेज लगाना बोल के इंटरेस्ट है, कॉलेज से हासिल क्या करना ये इंटरेस्ट कम है। तो ये इंटरेस्ट के लिए जो है ये इंटरेस्टों में जो अगला अलग अलग तंजीमें आजकल जो हमारे हुबली के अंदर काफ़ी तंजीमें अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो है AMP बोल के एक तंजीम है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। वो स्कूल 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 जा के जो है बच्चों में जज्बा लाने की और शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। दीगर तंजीमें जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनका हमारा उनके साथ ताउन रहा है। और तंजीम अल हक और अवेक बोल के एक तंजीम थी, हमने जो है पूरे हुबली के तमाम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को एंड बेटरमेंट कमिटीज को बुला के जो है क्वालिटी एजुकेशन के बारे में फंक्शन किया था हम लोग। उस वक्त के वाइस चांसलर पठान साहब कुछ तो थे यूनिवर्सिटी के, उनको हमने मधु किया था, बाद में DDPI को मधु किया था, फिर भी दूसरे ऑफिसरान को हमने मधु किया था, करके पूरा जो है सिस्टम कैसा डेवलप करना है। गवर्नमेंट देखो अभी क्या हो रहा है, पूरे स्कूलों जो चल रहे हैं वो तुम्हारे प्राइवेट स्कूल का डिमांड ज़्यादा है। एजुकेशन में देखो मामला बोर्ड बराबर नहीं है उसका, हमारे मैं अंजुमन की बात करूँगा तो एजुकेशन का जो बोर्ड है वो वीक है। एजुकेशन का बोर्ड का काम होता है कि पूरे इसमें जो है बड़ा देखो एजुकेशन जो बोर्ड है हमारा हुबली में ऑटोनमस बॉडी है, वो सिर्फ वो पूरे ऐसे संबंध है, वो प्रेसिडेंट एंड बॉडी डायरेक्ट कंसर्न हो, थर्ड में उसे ये नहीं कर सकता। वैसा जो बोर्ड है जो फुल पावर के साथ काम कर सकता है वो आज वीक है, आज वो काम नहीं कर रहा। तो वजह जो है देखो वहाँ पे जो है अगर बोर्ड मेंबर विजिट करता रहा, प्रेसिडेंट विजिट करता रहा तो डर रहता,
और वो एक सिस्टम है, वो नॉर्म के हिसाब से अगर तुम्हें प्रिंसिपल को मिलेंगे या तो स्कूल क्लासेस विजिट करेंगे तो बच्चों में भी डर रहता, नहीं बस आते ही बोल के किए रहता, पेरेंट्स भी देखते रहते हैं क्या विजिट हो रहा क्या क्या नहीं कर रहा, और उनको जो है जो जो खामियाँ हमें नज़र आ रही इमीडिएट हमें इम्प्लीमेंट करना हो करे तो जो है वो निखार आता है। और हमारे दौर में जो है, मैं जब एजुकेशन बोर्ड मेंबर था तो एक लेक्चरर 15 स्टूडेंट को मैंने दिया था, पूरे HODs को बुला के मीटिंग करा, तुम्हारा इसका रिपोर्ट होना मुझे, बोला उनको रिजल्ट तुम्हारे डिपार्टमेंट का रिजल्ट होना मुझे। उसके लिए क्या है, पूरे एक एक बच्चे को 15-15 स्टूडेंट दिया, 15 स्टूडेंट खाली 15 स्टूडेंट तैयार करो तुम, मेरे को सब डिपार्टमेंट में जो बच्चे तैयार होते एक्सचेंज हो रहे थे, 52% रिजल्ट लाया मैं। आज क्या हो रहा, वैसे एजुकेशन बोर्ड मेंबर सुना तो समझे नहीं, तो कैसी क्वालिटी चाहते सर आप अंजुमन में आने के लिए? देखो हम लोग जो है, देखो पहली सबसे पहली बात जो है, हमारे बच्चे बहुत जहीन रहते हैं, हमारे बच्चों को अगर उन्होंने लाइन पकड़े पढ़ना अगर ठान ले तो बच्चा हमारा को उन्हें जो है अच्छे से अच्छे लोगों को मुकाबला कर सकता है, उतना जहानियत हमारे बच्चों में है, टैलेंट है, सब है, लेकिन अच्छी सोहबत की ज़रूरत है, अच्छा मशवरे की ज़रूरत है, उनको अच्छे माशरे की ज़रूरत है, ये सब जो है हम अंजुमन के जरिए दे सकते हैं उनको। हमें बिल्कुल चेंज करना चाहता हूँ मैं तो, जो पूरा सिस्टम चेंज होने वाला, हमारा जो अब वीक हुआ है तकरीबन जो है ये 2-3 टर्म में जो है बहुत मामला जो है, मैं वहाँ के टीचर्स को और वहाँ का जो स्टाफ उसे ब्लेम नहीं करता, मैं ब्लेम करूँगा तो यहाँ के एजुकेशन बोर्ड को ब्लेम करूँगा, क्योंकि टीचर्स और जो उन्होंने जो ये है उन्होंने क्वालिफाइड है सब ये सबने डेडिकेटेड है, उनके यहाँ से काम लेना हमें उन्होंने करते हैं, हमें काम नहीं लिया तो उन्होंने क्या पेमेंट आता है, UGC स्केल है उनको, उन्होंने ये कर जाता है, लेकिन हमें मैं जो है कॉलेज के लेक्चरर्स को 10th के बच्चे पढ़ाने लगाता था, मैं काम लेता था उनके यहाँ से, ये यूसुफ सर जो है सैयद सर जो है 10th के बच्चे जा पढ़ाते थे, उनको बोलता था मैं तुम्हें ये बच्चे को पढ़ा कर ये बच्चे वहाँ आते हैं, यहाँ एक बार दिल कार्ड को तुम्हें दिखाए तो ये चीज दिल डॉक्टर बने तक कांडा उन्हें, एक बार तुम्हें समझा के छोड़े दिल में क्या रहता क्या नहीं रहता कितने वेंट्रिकल्स रहते हैं, उन्हें एक बार समझ में आ गया 10th में से तो मेडिकल तक का भी जो है उन्हें ये हो जाता, और जो है एक जज्बा होता, एक बड़ा लेक्चरर्स उनका पढ़ाना अलग होता इनका पढ़ाना, एक बार उनका पढ़ा तो उनके पास सीखना मैं और बनना मेरा ये जो एटीट्यूड चेंज हो जाता। तो अगर ये सब सिस्टम आ गया तो हमारा सिस्टम चेंज करना, सिस्टम चेंज होना ज़रूरी, हमारे बच्चे जहीन है ट्रैक पर लाना, उनको थोड़ा माशरा भी सुधारना, हमें उनके साथ एज ए फ्रेंड रहना, तो इंशाल्लाह जो है हो जाता है, इसमें क्या भी दो राय नहीं। दूसरी बात अफसोस, अब जैसे हमारे वकील साहब ने कहा कि बच्चों के ताल्लुक से हमारा जो है मुतालबा हमारे सदर सोनू साहब से है, मोहम्मद यूसुफ सोनू साहब से, तो वो जो है एक फेस अपना जो कोर्ट कचहरी का मामला है अंजुमन के मातहत जो बड़े से बड़े सुप्रीम कोर्ट को जो है मिनटों में जाके अपना काम ला करके ला रहे, एक फेस वो है उनका, बड़े से बड़े एडवोकेट को 21 दिन में तय करे उसे ठहरा करे ऑर्डर करे लेकर कर 2-3 दिन में फटाफट इधर से वफ का चले सा इधर से इनका चला है, दोनों भी जो है फुल एक्टिव है, वो मामला बच्चों को छुड़ाने में की नहीं हो रहा, ये दो रुख दो चेहरे की नज़र आ रहे हैं, ये हमें जो है हमेशा जो है हमें अध्यक्ष हमें हमारा अपोजिशन में है हमें हमारा हमेशा उनका ये रहा कि मुतालबा रहा उनसे कि आप जो है अच्छे सीनियर एडवोकेट ठहरा करो, वहाँ तुम्हारी से शेषाद्री बोले तो उन्हें बहुत बड़ा एडवोकेट इन्हों जो रखे से एडवोकेट को देख को उन्हों वक्फ वाले जो है संघवी को रखे उन्हें भी बड़ा वकील, पहला कौन रखे सोनू साहब रखे बड़े वकील को, वो देख को घबरे हो को वक्त बोला ले रखे, तो अपने काम को कौन सा भी वकील चला रहे ना, बच्चे काम को क्यों नहीं चला रहे, ये दो ये फेसिस नजर आ रहे हैं उनके। सोनू साहब भी तुझे बोलना देखो उस सीनर देखो रीजन सोनू साहब बोल रहा ठीक है, हमना जो दिस रहा हमें बोल रहे हमें पूरे 100% सही है, अगर नहीं बोल सकता हो सकता 10% में गलत रहेंगे, मगर हमना जो नजर आ रहा हमें तुम ना बोले मैं ये बड़े से बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट का यूँ जा रहे हैं ऑर्डर ला रहे हो ना यूँ जा रहे हैं स्टे करा रहे हैं वो यहाँ की नहीं हो रहा, यहाँ पे मीटिंग की पर मीटिंग अब देखो 8 बच्चे को इन्होंने ऑब्जेक्शन दी नहीं साहब,
डिंग ने 8 बच्चे को नो ऑब्जेक्शन दिए तो क्या करेगा अब, क्या सब हमारा अब कहते जाने का हमें बात करना, उन्हों क्या उन्हों भी हमारे बच्चे उन्हों क्या कर रहे हैं मालूम रहना कि नहीं, ये तो छोप छोड़ने का। और वो क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ जो है वो हुए के बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ चीर खुजाने क्या जरूरत है। पहले तुम्हारे पास बड़े से बड़े वकील है उनके मशवरा भी नो ली साहब क्या हो सकता ऐसा वक्त क्या करना ऐसा वक्त क्या करना ये नहीं कर सकते। यहाँ तुम्हें बराबर कर रहे हैं ऐसा हुआ तो यूँ होता ऐसा हुआ तो यूँ होता यहाँ कर रहे हैं यहाँ नहीं कर रहे। मेरी गुजारिश है और दीगर हमारे जो अपोजिशन में जो हमें है पूरी टीम हमारे इंडाधीरी साहब बोलो मजहर खान साहब बोलो हमारे वहाँ भी क्या हो रहा बोलो हम अंजुमन वाले मशवरा कर रहे हैं मगर जो है वहाँ सीनियर एडवोकेट को लाना बोलकर तय हुआ मगर वहाँ भी क्या भी काम नहीं हो रहा। उन्होंने भी जो है स्ट्रांग इसमें ले आज आज बोले इतने बात चल हमें कल लेकर ठहरा करते हैं ये उन्हें ठहरता करते उन्हें बोलता गया तो क्या ही बात हो हमें हमें अपोजिशन का फायदा क्या हमारी बात जो है हमें मना नहीं सके गलत रहने वाले जो आदमी गलत कर रहा तू गलत कर रहा अगर नहीं बोल सके तो फिर हमें रोक फायदा क्या। हाँ हमें बोल रहे हैं हमें सीनियर एडवोकेट को लेकर आते हैं घर को हमें ढेरा करेंगे कर बोल रहे बातें हो रहे हैं खाली हमारी तरफ से बातें छो रहे हैं है कि नहीं गए हमें भी करना ही नहीं वो कहाँ कर रहे हो मैं बातें कर रहा हूँ उन्होंने बातें कर रहे हैं उन्होंने बातें कर रहे हैं सब जने बातें कर रहे हैं इम्प्लीमेंट है कब करना इम्प्लीमेंट है नहीं कर नहीं होते रहा तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं करना हमें अपोजिशन में नहीं जाना हमें करने रहा तो अपोजिशन करना हमें ले जाकर ठहरा करने रहा तो बातें करना सब जने हमें भी हमें नई से बातें कर खाली बातें कर को हमें घर जाकर सोचूंगा तो मैं उसे तस्लीम नहीं करता है कि नहीं वो गलत हो रहा बच्चे सफ़र हो रहे हैं माँ बाप सफ़र हो रहे हैं बाद 5 बच्चे जो है 5 बच्चों के वालिद वालिदा जो भी है इंतकाल कर गए अब बच्चे बीमार है अब तरस खाली हमारा क्या सब कहते तो हमें खाली अफसोस कर कर तुम्हारे पास एंट्री देखो मैं भी जाने वाला वैसा नहीं होना मेरी बात जो भी सुन रहा है मैं तमाम हमारे अपोजिशन लीडरों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कम से कम हम सब मिल बैठ कर जो है इसके बारे में चर्चा करें और ऐसे एक ठोस कदम उठाएं ताकि ये बच्चों के मामले में आसानी हो। तो बालन वकील साहब को अभी एम आई एम वाले कर रखे हैं उन्होंने हाँ तो अब क्या हो रहा बोलो सब जने बड़े नहीं होना उसके अंदर सब जने बड़े हुए तो तुम्हें एक लिए एडवोकेट सर्च कर रहे मैं एक सर्च कर रहा हूँ इन्होंने सर्च कर रहे ये नहीं होना कर को क्या कर रहे थे अंजुमन में। अब देखो इंडाधीरी साहब को भारत में मीटिंग बुलाओ नहीं आतूँ क्या उन्होंने मैं अंजुमन से बुलाओ मैं आतूँ क्या ये बड़ी बात होती है कि नहीं कि सब जने मिलकर अभी बाहर बातें करें तो उसका ये नहीं रहता उसे जो है हमारा काम अंजुमन से जो ना हमें मशवरा अंजुमन को देना हमें अंजुमन को ताउन कर रहे हैं हमें अंजुमन वाले क्या कर रहे हैं साहब उन्होंने क्या करे हमारे साथ मशवरा कर रहे हैं बात कर रहे हैं आओ सब भी ये ठहराव कर रहे हैं भी तुम्हारे तरफ से तुम्हें क्या करते हैं देखो तुम्हारे तरफ से क्या पहल करते करो हमारी तरफ से हमें कहेंगे दोनों मिलकर जा खत्म कर ले कहेंगे नहीं हो रहा हो। अब वकील साहब बोले सरकार क्रेडिट लेना चाहते हैं तुम्हें लो साहब अवाम तुम ना चुनी तो तुम्हें जीत लो तुम्हें ये करो हमना उसकी से क्या भी सरोकार ने मैं तो कभी भी डिक्लेयर नहीं करा कि मैं ये पहाँ ठहर रहा हूँ मैं ये ग्रुप से ठहर रहा हूँ वो ग्रुप से ठहर नहीं समझ सिंसियरली जो है जो बोलना जो करना हमें सब कर रहा है वकील का भी वकील साहब का भी स्टैंड दे रहा है हमारे शफिया जी साहब का भी स्टैंड रहा हमें जो है सिंसियरली एफर्ट कर रहे हैं सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं सबको मिलने का काम कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत पड़ी हमारे वहाँ मिल रहे हैं जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ बोल रहे हैं खाली बोलने से क्या होने वाला। आज भी जो है मैं सोनू साहब से अपील करता हूँ कि जल्दी अब डेट है नहीं 8 तारीख को डेट है आज बैठ को उसके 8 तारीख को नहीं ये करता क्या ये करता क्या ये करता ये बात करना कि नहीं वो कमेटी में जो है वो दिए नहीं क्या हो रहा कमेटी का भी कमेटी बनाए और हम लोग जो हुबली के अंजुमन जो हुबली के मुसलमानों जो है तुम ना चुन को भेजे से हमें पूरी कमेटी बनी हमें है कि नहीं सब उसके अंदर सेक्रेटरी है सदर है खजानची है जॉइंट सेक्रेटरी है इन्हें है उन्हें सब जने है तुम्हें नहीं कर रहे कर कोई एक्स्ट्रा कमेटी बन रही सो हमें हमें अपने दिल से बोले कि हमें तुम ना ताउन करते हैं साहब तुम्हें सजेस्ट करते हैं साहब हमारा मशवरा अच्छा ला कर रहे हो नहीं तो छोड़ो कर नहीं कर रहे। अब उनके दिमाग में क्या है हमारा समझ में नहीं आ रहा क्या चाह रहे हैं वो हमारा नहीं समझ में आ रहा। अब एक डो उन्हों खेल रहे हैं एक डो वक्फ बोर्ड वाले खेल रहे हैं अब नया वक्फ बोर्ड वाले लेकर देखो वक्फ बोर्ड को सब वो हमारे जो मौजूदा कमेटी है
उन्होंने जो है आप जो अमेंडमेंट पूछे से उन्होंने ये नेक्स्ट में लागू होता अगर अमेंडमेंट पूछे से उन्होंने अब वो इलेक्शन करने वास्ते अमेंडमेंट लागू कर को नहीं है वो नेक्स्ट जो टीम चुन का थी वहां जो है तुम ना चाहो तो अमेंडमेंट करो नहीं तो नको करो है कि नहीं। वो पूछे से लास्ट टाइम हमारे सामने बाकायदा सदर साहब जो है मीटिंग बोले ये जो पास होता हमारा ये इसमें हमें ये इलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट इसमें आता तब वो ये लागू होने वाला। अब तुम्हारा इख्तियार है वक्फ बोर्ड को तुम्हें पास करो या तो रिजेक्ट करो। नवाज तुम्हें लाख तकलीफ कर रहे एनरोलमेंट करना है अभी लाइफ मेंबर समय मैं जब तक जिंदा है मैं मेंबर हो लाइफ मेंबर पैटर्न मेंबर का तो मैं मरे के बाद मेरा बेटा मेंबर है कि नहीं। अब इसे एकदम विदाउट एनी नोटिस क्या वकील साहब विदाउट एनी नोटिस तुम्हें खलास हो मेंबरशिप और ऐसा तुम्हें ये करो इतना आसानी से हुबली के अंजुमन को बेंगलोर के वक्फ बोर्ड वाले कर नहीं सकते ओवरटेक नहीं कर सकते। वत्ते ठंडे लोग में नवे में हुबली के लोग जो है शांत रहते हैं करेक्ट बोलते हैं हक बोलते हैं खसम खा को झूठ नहीं बोलते वो बेंगलुरु में बोलते हो मगर जो है वहाँ खसम का को झूठ एक नहीं बोलते हुबली के अंदर नहीं। तो ये जो है ये जो उनका रवैया है ये जो एनरोलमेंट का ये जो है मामला बिल्कुल गलत है उसके खिलाफ है उसे कंडेम करते हैं हमें सब बिल को जो है इंशाल्लाह उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग जो है एकजुट होकर अमन के साथ इस हमारे अंजुमन के तरक्की के बारे में सोचेंगे मिलजुल के बैठेंगे जो है इंशाल्लाह आगे काम जो भी है इत्तेहाद के साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।